लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। मैंने आपको ये बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का एक ऐसी जगह या ऐसा स्पेस या ऐसा फील्ड है जिसके अंदर अगर मैं कोई और चार्ज रखूँ तो वो चार्ज इस चार्ज से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो रिपल्शन की चाहे वो अट्रैक्शन की। तो हम बोलते हैं ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ को मेजर किया जा सकता है। जितना पास होंगे चार्ज के फील्ड स्ट्रांग होगा, दूर होंगे फील्ड वीक होगा, बहुत दूर होंगे फील्ड जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ को फिजिक्स में बोलते हैं इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जिसका सिंबल क्या है, ई। ई वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय इमेजिनरी टेस्ट चार्ज जो अपने मन से इमेजिन करना है, जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो मैंने ये बताया था मेथड नंबर वन, जिसमें ये बताया गया था कि अगर आपके पास कोई चार्ज है क्यू, आप आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना चाहते हैं इस क्यू चार्ज की वजह से, तो आप पहले इमेजिन करें कि यहाँ पर इमेजिनरी टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है क्यू नॉट, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं एफ डिवाइडेड बाय क्यू नी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है, फोर्स की वैल्यू 1/4πε0, ये आपके पास फोर्स की वैल्यू है, तो आपके पास जो बचा वो आंसर है। इस मेथड में एक प्रॉब्लम है, पहले क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लो, फिर उसे डिवाइड करके कैंसिल करो, तो अल्टीमेटली क्यू नॉट रहता नहीं है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, ऐसे ही होता है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, मेथड नंबर टू में क्यू चार्ज लो, आर डिस्टेंस दूर अगर आपको क्या निकालना है, ई निकालना है, तो आप जहां पे ई निकालना है वहां पर इमेजिनरी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मत लें, प्लस वन ही लें, माइनस भी ना लें, कुछ ना लें, प्लस वन लें, जहां ई निकालना है वहां प्लस वन ले लें। और ये चार्ज प्लस वन को कितनी फोर्स लगाएगा, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो आंसर आएगा वही आपका ई माना जाएगा। ये सबसे सही है, प्लस वन रखो वहां पर फोर्स निकाल लो और ई की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो सेकेंड मेथड ज्यादा बेटर था, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट मेथड में क्यू चार्ज यहाँ पे ई निकालना चाहता है एफ बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट बहुत छोटा है, इसको मैथ्स में लिखा जाता है लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो, इट मीन्स क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल। मेथड और इसके ई के यूनिट न्यूटन पर कूलम याद रखने हैं। मेथड वन में बताया था कि अगर क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे ई निकालना चाहता है तो एफ बाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, फोर्स की वैल्यू इन दोनों की निकाल लें, क्यू नॉट से डिवाइड कर दें, जो बचा वो आंसर है, खत्म। मेथड टू क्या कहता था कि जहां ई निकालना है प्लस वन, ये चार्ज यहां पे ई क्या लगाएगा, जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डन। ये ज्यादा बेटर है, इसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से लगा के देखते हैं। इसमें जैसे अगर मैंने बताया था 5 कूलम का चार्ज है और मैं यहां पर ई निकालना चाहता हूं, रूल नंबर वन, जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन एज्यूम कर लें, तो ये रख दिया मैंने प्लस वन। ई की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम रहती है, तो अगर मैं ये पूछूं कि प्लस फाइव ने प्लस वन को क्या किया, रिपेल किया, फोर्स की डायरेक्शन कहां है, टूवर्ड्स राइट, तो ई की डायरेक्शन भी कहां है, टूवर्ड्स राइट, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, अगर फोर्स प्लस प्लस रिपेल कर रहे तो ई भी राइट ही होगा, जहां फोर्स है वही ई है। और ई का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 5 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया। सिमिलरली अगर -3 कूलम की वजह से यहां पर ई निकालना है, जहां ई निकालना है वहां प्लस वन, -3 ने प्लस वन को अट्रैक्ट करना है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4πε0 3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, और क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है, वेक्टर लेफ्ट है, तो ई की डायरेक्शन भी कहां है, टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो डायरेक्शन भी क्लियर है। नेक्स्ट है 8 और 4 कूलम है, आपको नेट ई कहां निकालना है, यहां पे निकालना है, तो अगर आपको नेट ई यहां निकालना है तो चार्ज यहां पर प्लस वन रख दें,
ये चार्ज इसे क्या करेगा, रिपेल, तो इसका प्लस का प्लस रिपल्शन राइट है, तो ई की वैल्यू भी कहाँ है, राइट है, तो ई की वैल्यू क्या होगी, 1/4 pi epsilon naught 8/1 का स्क्वायर। उसी तरीके से ये 4 कूलम इस प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल, तो ई भी कहाँ होगा, लेफ्ट, तो वैल्यू क्या होगी, वेक्टर यहाँ बनेगा, वैल्यू होगी 1/4 pi epsilon naught 4/3 का स्क्वायर। फिर दो वेक्टर ऑपोजिट है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को इसे क्या कर देना है, माइनस, नेट आंसर आएगा और यूनिट्स न्यूटन पर कूलम होंगे। यहां से शुरू करना है, इसे एक बार ट्राई करें प्लीज।